इस बार गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस इतिहास रच रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी 1975 में राजपथ पर दिल्ली पुलिस के दस्ते को लीड करने वाली पहली महिला थी। इसके 48 साल बाद 2019 बैच की आईपीएस श्वेता के सुपुत्र 2023 में दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमांडर रही। वे दूसरी बार दिल्ली पुलिस की टुकड़ी को लीड कर इतिहास रचेंगी। इस बार परेड में 57 साल की सब इंस्पेक्टर किरण सेठी दिल्ली के ब्रास बैंड के दस्ते को लीड करेंगी। श्वेता के सुपुत्र 194 महिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र गणतंत्र दिवस के 75वें आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस और तैयार है। इस बार करीब 65,000 लोग गणतंत्र दिवस को देखने पहुंचेंगे। एंट्री में QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। 24 हेल्थ डेस्क बनाए गए हैं। परेड के दौरान 6,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में शामिल होंगे। कुल 27,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। परेड और इसके आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए 150 से ज्यादा CCTV कैमरे होंगे। राष्ट्रपति भवन से प्रदर्शनी के मार्ग और अलग अलग स्थानों के बीच रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। सुरक्षा, यातायात और क्रम व्यवस्थित तरीके से संपादित हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का। जय हिंद।